William Shakespeare. Wow. Thank you so much to. Yes, You it's time for having.:: me. Yeah. <laughs> Oh, what's up? Ji, There is a difference between William Shakespeare and Rana Sanaullah. Uh -huh. oh, come on, this character of that bhai. I mean, he's a kind of a guy. You go at him. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> I have a news for you. Gee. <laughs>

कि ये हालात का शिकार होते-होते अपनी डिजायर के हाथों मगलूब हो गया और इसके हाथ से ऐसे गुनाह हो गए कि जिसकी वजह से ये कहानी एक पहम ट्रॉमा का शिकार नजर आती है अच्छा जी هون किंग बादशाह को सदावा लेडी मैकबेथ अच्छा लेडी मैकबेथ आदि भाई आदि भाई टिक टिक इनको टिक टिक इनको आदि भाई आदि भाई लेडी मैकबेथ अच्छा जी आप मुझे अलाउ करें मैं वन लाइनर बताऊं

यार इतना स्लो क्यों है डंकन आ, इन, ये तो कत्ल होया ना हाँ ये बेचारा कत्ल हुआ था क्या हाल है भाईजान बिल्कुल ठीक-ठाक मुझे आपके साथ बहुत हमदर्दी निर्भर लेडी मैकबेथ की ये मेरा इसके साथ क्या ताल्लुक था ये बादशाह था तुम्हारा तुम इसके सब्जेक्ट्स थे लेकिन तुम लालची और कमीने निकले तुम दोनों ने साजिश के तहत उसे मर्डर किया ये ने मैं तो जेन नहीं इस नहीं नहीं ये नहीं इस तुम्हें इसने तो तुम्हें उस रात उकसाया था असल तुम्हें तीन विचेज ने वो जो तीन भूतनिया तुम्हें मिली थी ना चुड़ैला चुड़ैले उन्होंने तुम्हें उकसाया था आय जी नेक्स्ट आप बुलाइए अब डनकन बादशाह का बेटा मेलकम एक होनहार साहब क्या हाल है बिल्कुल ठीक ठाक आपका मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या ख्याल है बहुत अच्छा ख्याल है जिस तरह आपने इससे इंतकाम लिया था ना अपने बेगुना बाप के कत्ल का और अपना तख्तो ताज वापस छीना था, इन्हें मारे है, मैंने था ना पता। नहीं, असल मारा था आपको मैकडेफ ने उन्हें होना है। जी। मैक ने बहुत साथ दिया मेरा उसी ने आपको बुलाया था उसी ने आपको कहा था कि भाई ये सब कुछ हुआ है तो फौज इकट्ठी की तुमने अपने आप को रीग्रुप किया आर्टिकुलेट किया और एक अच्छी वॉर स्ट्रेटजी के साथ जंगल को कैमोफ्लेज के तौर पे इस्तेमाल किया अब हम बुलाएंगे जनरल मैकडफ को हर हर हर। अच्छा ये जनरल से ज्यादा सैंडो लगा <laughs> तमाशों में सेंडो जाया करते थे रेलवे स्टेशन के पास अक्सर 25, 30 का करके बेचना उसने मंजन होता है <laughs> तो पहले वो अपनी हरकतें सलाखें टेढ़ी करता है कड़े में से गुजरता है आते <laughs> ही उसने देखो आइटम कर दिया <laughs> तो <से पहले laughs> जो बेस्ट चीज़ है ना इसमें आई अप्रिशिएट इज गेटअप है ना क्रेडिट गोज टू नवीद वफा <laughs> तीनों को बुलाइए <laughs> ਗੱਡ ਮਿਸ ਡੈਪਟਾ ਲੇਡੀ ਡੈਪਕਨ ਲੇਡੀ ਡੈਪਕਨ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਯਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੇਡੀ ਮੈਕਬੈਥ ਲੇਡੀ ਮੈਕਬੈਥ ਦਾਦਾ ਮੈਕਬੈਥ ਹੈ ਮੈਕਬੈਥ ਸੁਭਾਨ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾ ਕੀ ਨਾ ਆਈ ਜੀ ਮੈਕਡਫ ਮੈਕਡਫ ਇਹਦੀ ਪੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਫ ਡਫ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਮੈਕਡਾਪ ਉਹ ਮੈਕਡਾਪ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਰਲੀ ਚੁੜੇਲ ਦੀ ਇਧਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ क्यों इधर क्यों भेजो ओना के नाल मिसफिट लग रही है वैसे उनके साथ मिल ही नहीं रही वो हाँ। इतनी प्यारी चुड़ैल है और ये किस कदर कभी चुड़ैल है पर वो कोने वाली रशिया की चुड़ैल है जदो तो पयो च चोपे थे, तो तू क्यों बोलन दे <laughs> <laughs> अच्छा जी ये 1623 में पब्लिश हुआ ये ड्रामा है और इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि स्कॉटलैंड का बादशाह है डंकन और इसका सिपा सलार एक जंग से वापस आ रहा होता है वो और उसका दोस्त बांको तो तीन चुड़ैलें मिलती हैं इन्हें तीन विचेस। ये तीन बातें बताती हैं जो प्रेडिक्शंस होती हैं उनकी तो इसका जो टेस्ट है वो यही है कि प्रेडिक्शन अगर कुछ सच साबित हो तो फिर इसका मतलब है सारी सच होंगी और अगर एक भी सच ना साबित हो रही हो तो इसका मतलब सारी गलत तो विच इज फेक, फेक है, है। सबसे पहले वो कहती हैं कि तुम्हें अनकरीब नवाब बना दिया जाएगा एक बहुत बड़ा टाइटल थे इनका दिया जाएगा और उसने कहा कि कैसे मुमकिन है मैं एक आम सा सिपाही हूं मेरी जगह और हैं तो कहा नहीं ऐसा ही होगा इसके बाद तुम बादशाह बनोगे स्कॉटलैंड के और तीसरी बात यह कि तुम्हारे बाद बांको का बेटा बादशाह बनेगा यह जो तुम्हारा साथी है वो बड़े तीनों बातें बड़ी लर्जा खेज थी और विचिस चली जाती हैं लेकिन इनका दिमाग खराब हो जाता है अब देखिए इतफाक के चंद रोज बाद ऐलान होता है कि भी तुम्हें थेन ऑफ काउडर बना दिया गया है काउडर के नवाब का स्टेटस दे दिया गया जागीरें तुम्हारे नाम कर दी गई यानी तुम बहुत एस्टीम्ड सोल्जर हो क्राउन के तो वो कहते हैं ले जनाब अब सारी ठीक साबित होंगी और सबसे ज्यादा बेचैनी का शिकार होती है लेडी मैकब जो इंतहाई एम्बिश होती है अपने शोहर से भी चार रात आगे उठते बैठते अच्छा फिर क्या बना अब आगे क्या होगा अगली प्रोडिक्शन अब पता नहीं कैसे साबित होगी अब पता नहीं हम किस तरह से उस मकाम पर पहुंचेंगे जैसे तुमने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है एक रात बादशाह विजिट पे आता है और इनके पास ठहरता है तो बड़ा तूफ़ानी मंजर है यह भी शेक्सपियर का एक खास स्टाइल है जैसे किंग लियर का ऐसा कमाल है वो तूफान तो और फिर जो फिक्रा आपने किंग लियर को दे रखा है वो कमाल है अपने वजीर को कहता है ये क्या तूफान है कभी तो मेरे अंदर झांक कर देखो असल तूफान तो वो है तो लेडी मेकबत कहती है यही मौका है इसे गनीमत जानो और डनकन का कला कमा करो ताकि बात आगे बढ़े और ये हम ही कर सकते हैं और किसने मारना डनकन को वो इतना पॉपुलर है तो ये बदनसीब लालच और खौफ के हाथों मगलूब होकर खौफ भी तो होता है ना कि यार अगर बादशाह को पता चल जाए एक प्रोफेसी आ चुकी है विचेज ने बताई है तो वो तो मुझे मार देगा कि मैं कंटेंडर हूं उसका और लालच ये कि मैं किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाऊंगा ये डनकन को कत्ल कर देते रिगार्डलेस कि उसने इसके साथ कितनी नेकी की थी तो सर लोगों को पता नहीं चलता कि बादशाह मर गया कैसे मरा है। इल्जाम सारा पे लगा देते हैं कि जो गार्ड्स है ना जी। उन्होंने मारा है बादशाह को नफरत का इजहार करते हुए अपना देते हुए और हमने उन्हें भी सफाई हस्ती से मिटा दिया ताकि सबूत ही खत्म हो जाए अली खान का मर्डर याद आया सैद अकबर याद आया बेनजीर भुट्टो का कत्ल याद आया वॉशिंग याद आई पूरे सीन ऑफ क्राइम की धुलाई याद आई सारा कुछ इसी तरह होता ये कोई नई बात नहीं है हाबील काबिल के वक्तों से यह कहानी इसी तरह चल रही है चुनाचे ये अब बादशाह बन जाता है सर नेक्स्ट स्टेप तो उसके बेटे का नहीं होना चाहिए था उसके बेटे को भी मरवाने की कोशिश करता है वो फरार हो जाता है अपने भाइयों के साथ वेलकम छोटू बड़ा प्यारा बच्चा था आफ्ताब साहब उस वक्त मैं भाग कर इंग्लैंड चला गया था और कोई शवाहद नहीं है हमारे पास कि इन लोगों का ताल्लुक किसी तंजीम से था इन्हें सपोर्ट किसने किया जी। इनके सपोर्टर्स बाहर होंगे कहीं कौन थे वो बादशाह की दुश्मनी किसके साथ थी और ये कौन है जो यकायक यबत को मसंद इकतदार पर बिठा के इसका एकदम इकतदार एक में आना जो है ना बादशाह बन जाना दैट वॉज आस्किंग फॉर ट्रबल उसे इस पर शक था धीरे धीरे वो इसकी रिसर्च करता है इस पर तहकीक करता है और उसका शक यकीन में बदलने लगे इस दौरान एक और काम होता है yeah. क्या इसके बाद ये सबूत खत्म करते हुए ये बेवकूफ का बच्चा भूल जाता है कि प्रोफेसिज को चेंज नहीं करते बांको को कत्ल करता है अपने साथी को बांको भी सही अंजाम को पहुंच, सब सही अंजाम को पहुंचते हैं फिर ये उसके बेटे के पीछे भागते हैं वो भी फरार हो जाता है मतलब बच जाता है अच्छा, इसी दौरान मैकडफ वो इंग्लैंड जाता है इसके बेटे, बेटे, के, बेटे के, के पास के ये सब क्योंकि उस वक्त तक उसे सब कुछ पता चल चुका होता है मैकडफ को मैकडफ को कि यह हुआ है और हमें रीग्रुप करना है इंतकाम भी लेना इकतदार भी वापस लेना है। तो मेलकम इसके साथ एक लश्कर की सूरत में रवाना हो जाता है लेकिन इसी दौरान ये मारा मारा फिरता चूंकि नफ्सयाती मरीज बन जाता है, ये भी और इसकी बीवी भी मैकबेथ। दोनों और राइटर ने आफरीन है, ने एक खास एक कैफियत एक्सपोज किया है कि क्राइम कोमेट करके किसी का हक मार के सूफिया कराम इस तरह की बातें करते हैं ये बड़ा इसमें तसवफ वाली बातें मार्फत की बातें हैं कि किसी का बिस्तर छीन कर तुम समझते हो तुम्हें नींद आ जाएगी वो भी चैन की उस बेड पर तुम दराज तो हो सकते हो सो तो नहीं सकोगे तो ये बेचारे पलसेटे मारते रहते हैं कि हम कर क्या बैठे हैं कभी बादशाह का भूत इसकी नजरों के सामने होता है लेडी मैकब को तो डराता रहता है कले में हर जगह उसको नजर आता है, 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 है।, है नामुमकिन हो गया बांको जो इसके फंक्शन में शिरकत के लिए आ रहा होता है उसे भी कत्ल करवा दिया जाता है तो उसी फंक्शन में जिसमें वो शिरकत के लिए आ रहा होता है बादशाह को नजर आता है बांको सतूनों के पीछे चलता फिरता भक्त कहता है यहाँ पे बांको था तो तो तुमने मारा किसको है? जी आके देख लें डेड बॉडी पड़ी है हमारे पास आपने पता नहीं किसको देखा अब ये कर ही रहा होता तो कहता ओ वो तो वो देखो फिर जी आपको नजर आ रहा है हमें नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है इल्यूजन है आपका ही तो दोनों का ऐसा मक्कू ठपा जाता है ना कि गुनाह और जुर्म के रस्ते पर चलने से पहले इंसान सौ सो दफा सोचे अच्छा जी फिर ये विचिस के पास जाता है तो वो कहती हैं के तीन बातें याद रखना पल्ले बांध लो मैकडफ से मोहतात रहना बिकॉज ही नोज कोई भी मां का जना जिसे मां ने जन्म दिया हो वो तुम्हें खत्म नहीं कर सकता यानी तुम मरे तो नेचुरल डेथ ही मरोगे यानी कि यू कैन नॉट बी मर्डर्ड यसर मनु बकरे ने टक्कर मारी ये किस स्टोरी में वो इंसान नहीं ना मैंने मार सकता मारा जणे फिर तो किसने मारा तू तो? बकरे ने तोड मारी सीधी क्यों नहीं बकरा किधर से आ गया ये बकवास क्या करे